हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो सुबह का समय है और टाइम हो चुका है, लगभग 7 बज चुके हैं। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और प्रियांशु भी आ चुका है ट्यूशन से, एकदम गर्मी से थका आ रहा, और आते ही पी रहा ठंडा पानी। फ्रिज का पानी पी रहा है? हाँ, नॉर्मल पानी पिया करो अगर कहीं से आते हो तो, गर्मी में से। तो इतनी तू तो अभी जैसा किया था, हो गया एक घंटा है? हो गया। इतनी जल्दी कैसे हो गया? पक्का लाओ फोन, ला दो भूमि, फोन करते हैं भूमि कब आ रही है। बोतल अंदर रख, बोतल जहाँ से लाया वहाँ रख, थोड़ा हवा इधर को भी आन दे। बस बस, पंखा मत हिला, गिर जाएगा ऊपर से। बस ये पंखा तो हमारे लिए भैया लाइफ लाइन है, दिन रात नॉन स्टॉप ये चलता ही रहता है। एक यही पंखा है क्योंकि हम अधिकतर यहीं पर बैठे रहते हैं, यहाँ पर ठंडा होता है एकदम गर्मी में, इसीलिए पंखा यहीं पर सेवा देता है दिन और रात। भूमि कब आ गया? तो वही तो फोन कर रहा था मैं। अरे दो तो, हेलो टिन टिन, नहीं तू करते रहा, तुझसे नहीं कह रहे। अरे अरे तुझसे नहीं बोल रहे, तू कर साफ सफाई में, कर काम, गर्मी हो रही फटाफट कर ले। लग गया तू गया उसमें कर, बॉइस में कर। हेलो हेलो, हाँ कौन? बबलू जी, आजी पहला कौन बबलू बोल रहा है? हाँ हाँ दोस्त, क्या बात है? अरे मैं ये कह रहा था, ये भूमि आ रही है आज? ओहो, हम तो इंतजार कर रहे हैं यहाँ सुबह से। क्या पकवान बना रखा है? अरे कुछ स्पेशल बनाते फिर आती तो ये। हाँ आज तो संडे हुआ, आज चलते हैं कपड़े भी लाने। अच्छा आज नहीं आ रही फिर है? आज नहीं आ रही है, कल आएगी। हाँ मैं इसीलिए फोन कर रहा था सुबह भी, तो तुमने उठाया नहीं, पता नहीं बिजी थे कहाँ थे। तो भूमि आज नहीं आ रही है क्योंकि आज बड़ी वाली भांजी जा रही है अपने मायके, तो आज नहीं आ रही है। तो कह रहे हैं आप कल लेने आना, या तो वही छोड़ देंगे जी, आज मजाक कर रहे थे। तो कुल मिला के आज भूमि नहीं आ रही है, हम तो इंतजार कर रहे थे आज भूमि आएगी आएगी। बनकर इसको देख सकते हैं बनकर, अगर कितने घंटा है इसका मोबाइल? एक घंटा सुबह, एक घंटा शाम, और अभी एक घंटा भी हुआ, आधा 10 मिनट हुए, कभी लिख के ले रही है कभी आप। पढ़ाई में तो एक घंटा बहुत जल्दी हो जाता है, और मोबाइल में क्यों नहीं होता है घंटा? देखिए मेरी आईडी गाइस, पिटेगा मैं तुझे, दिखा दूंगा तेरी आईडी। जो प्रिपेयर करता होगा रिक्वेस्ट जरूर भेजेगा, यूआईडी गॉड से भेजेगा। अरे नाम बताया नहीं, और अगर इसके बाद तू पढ़ने नहीं बैठा फिर देखना तेरा क्या हाल करूंगा मैं। हट जा। अरे यार एक तो पंखा है, कभी उधर को घूम रहा है बेचारा, कभी इधर को घूम रहा है, ये लाचार पंखे पर कुछ तो दया करो। इस पंखे की हमें आदत है, छोटा पंखा लगा लो ना अपने लिए। तो जैसे जैसे दिन चढ़ते जा रहा है, गर्मी भी बढ़ते ही जा रही है, तो पंखे की छीना झपटी हो रही है। कभी ये पंखा बेचारा इधर को घूम जाता है, कभी इधर को घूम जाता है, तो ये पंखे की भी आफत आई पड़ी है। ऊपर से बेचारे की गर्दन वैसे ही हिल रही है, ये पता नहीं कब नीचे आ जाए कोई पता नहीं। तो इधर अभी श्रीमती जी बना रही हैं दिन का भोजन। दिन का भोजन बन रहा है? झोली बन रही है। क्या बन रही है? तो आज बनाई जा रही है झोली यानी कड़ी। तो रोज ही तो झोली बनाती हो तुम? रोज नहीं बनाती हूँ मैं, तो जब भी ब्लॉग बनाता हूँ झोली दिखती है। आप तुम बनाते हो ब्लॉग? अच्छा तो इसमें क्या है? एक लाचार मिर्च पड़ी है, ये भी अंदर का पूरा खा गए, बाकी ये प्याज व्याज काट रखा है सलाद के लिए, और ये खीरा है सलाद के लिए, बाकी ये झोली का सामग्री है। इसमें क्या क्या घोल रखा है? ये आटा मट्ठा और क्या डाला है? प्याज, प्याज काट के रखा ना। तो प्याज भी तो डालोगी इसमें? इसमें भी डालूंगी। तो खाली आटा और मट्ठा की झोली बनेगी? बड़ी कुछ। अरे यार ये झोली तो बस आफत ही, जब से शादी हुई है झोली ने आफत कर रखी है। तुम्हारे लिए दाल है, झोली नहीं खाओगे? कब की दाल है? कल की है। तो भाई साहब जब से शादी हुई है ये झोली भी गले पड़ गई है। रोज तो नहीं बनाते?
बनाती है यार, कभी कभी तो बनाती है। इसको खा खा के पक जाते हैं हम लोग, हफ्ते में एक दिन बनाती है, कोई भी नहीं खाता है, बस एक ही श्रीमती जी को ही पसंद है, तो इसलिए रोज आए दिन ये झोली बना देती है। कहाँ बनाती है, और मजबूरी में हमें भी खाना ही पड़ता है, उसके सिवा कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। एक बार बनाती हूँ। चलो ठीक है, और बाकी यहाँ पर चावल पक रहे हैं, यहाँ पक चुके हैं, पक गए हैं। अरे यार तो पक गए हैं ये, और गर्मी तो बड़ी जबरदस्त हो रही है, तो कुछ ऐसा आज दिन का भोजन बन रहा है। पानी पिला दो मुझे भी, लाओ तो गर्म बहुत हो रहा है, ना पंखे की हवा खाने दे रही हो ना पानी पिला रही हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई, इतना जुर्म तो सही नहीं है ना। लाओ, गुड गुड। ये गर्मी कब जाएगी यार, कभी जाड़ों में ठंड ठंड ठंड, गर्मी में गर्मी गर्मी गर्मी, ऐसा ही हिसाब किताब ठहरा इधर का। बाबू नहीं आए ना अभी, मुझसे बोले अभी आ जाऊंगा। हाँ चलो कपड़े खरीदने। हाँ तू कभी कुछ खरीद के खा, कभी कपड़े बोल, कभी कुछ बोल, कभी कुछ बोल, बस कपड़े बोलता है। सुनो, जब निक्की वहाँ गई थी तब मैंने पहले ही कहा था मैं भी खरीदूंगा वहाँ भी, तो मैं तेरे लिए हर महीने में कपड़े लेके आता हूँ, लगभग दो महीने में तो कपड़े आते ही है, कोई आया कौन आ गया, अरे यार कौन आ गया अभी, तो अभी बीच में ही कोई आ गया टोंटों करते हुए। हम तो कब से अखबार देख रहे हैं कि अखबार आया नहीं, तो इधर आ चुके हैं अखबार वाले भैया, और अखबार भी ला रहे हैं आज 12 बजे, और साथ में पेमेंट के लिए भी आए हैं। कितना है, 217 रुपये बढ़ा दिया यार, पिछली बार तो 180 था। हाँ 7 रुपये हो गए ना अखबार, बढ़ गया। हाँ चलो देते हैं। तो ये आए थे अखबार वाले, तो आज अखबार भी लेट आया, और साथ में अखबार का बिल का समय हो गया था, तो बिल लेने भी आए थे, तो दे दिया है बिल उनको और चले गए फिलहाल। और इधर ये पिताजी का घास का गट्ठा भी आ चुका है, लेकिन पिताजी तो आए नहीं, तो ये हमारे पड़ोसी आ रहे होंगे कहीं से, कहीं रास्ते में दिखे होंगे, तो ये उठा के ले आए, तो फिलहाल इसको रख देते हैं उधर को, फिलहाल यहीं रख देते हैं, सूखेगा नहीं। और बाहर के मौसम के तो क्या कहने, क्या जबरदस्त धूप आ रही है, अगर बाहर चावल रखे ना बनाने के लिए तो धूप में छोड़ दें उसको, तो एक आध घंटे बाद वो भी पक जाएंगे, इतनी तेज धूप आ रही है। बाबू का गट्ठा ले आ गया है, बाबू आए नहीं, लेकिन पम्मू लेके आई, पम्मू ये अखबार के ऐसे टुकड़े टुकड़े मत करो, तो एक एक करके पढ़ो, तस्वीर लाइट चले गई क्या, ये वाली आइसक्रीम बनाना कह रहा था, क्या है ये आइसक्रीम 2 डब्बे, तू तो बस खाने की बात करेगा हमेशा, ये लाना वो लाना, ठीक है ठीक है, जब जाएंगे तब ले आएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा लगभग खाना बन चुका है, तो ये बन चुकी है झोली, यानी पलियो भी कह सकते हैं इसको, कड़ी भी कह सकते हैं, तो ये बन के हो चुकी है एकदम रेडी, खुशबू तो बढ़िया आ रही है, देखते हैं अभी खाने में कैसी होती है, तो फिलहाल इसको ढक देते हैं अभी, क्योंकि अभी पिताजी आए नहीं है, और बाकी यहाँ पर अभी निक्की पता नहीं क्या बनाने लग गई है, क्या बना रही बेटा ये, फ्राई राइस, तो अभी निक्की का यहाँ कुछ अलग ही बन रहा है, फ्राई राइस बन रहा है, तो इसमें सामने 2 बोतलें रखी हुई है, ये काय का की बोतलें हैं, ये क्या है, सोडा नहीं है ये, सॉस, सोया सॉस, ये सॉस है, छोटा है क्या, नूडल ड्रेसिंग सॉस, नूडल ड्रेसिंग सॉस है, और ये क्या है भाई, विनेगर है, तो ये कुछ इसमें डाला जा रहा है फ्राइड राइस में, और बाकी यहाँ पर ये मसाले वसाले रखे हुए हैं, तो सबका अलग अलग खाना बन रहा है, क्योंकि आज बनी हुई है झोली, तो झोली ज़्यादातर पसंद नहीं है किसी को, कम ही खाते हैं, इसीलिए सब अपने अपने मनपसंद का कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो ये बन चुके हैं फ्राइड राइस, तो ये क्या खुशबू आ रही, तो इसे देखकर तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, मुझे भूख लगी थोड़ा, मुझे भी दे,
और वापस से तांग रहा है। ये इसलिए तांग रहा है क्योंकि ये अभी मोटू पतलू लाया था, इसने निक्की को नहीं दिया, तो अभी इन दोनों भाई बहनों के बीच में चल रहा है पंगा। हाँ बेटा तूने भी दिया होता तो तुझे अभी ये नहीं देखना पड़ता, इसलिए कहता हूँ ना मिल बांट के खाओ सब। तूने क्यों नहीं दिया उसको ये पता? कोई बात नहीं इतना भय, मुझे पता है एक पहले की एक कहानी है कि एक तिल का दाना सात बहनों ने बांट के खाया था, अभी भी सात वो आसमान में तारे दिखते हैं ना, पहले मेरी मम्मी बताती थी ऐसे जब हम भी भाई बहन लड़ते थे तो ऐसी समझाती थी, एक तिल का दाना कितना छोटा छोटा होगा देखो, ये होता प्रेम व्यवहार। तो आखिर प्रियांशु के चेहरे पर खुशी लौट आई है, इसको मिल गया है थोड़ा चिढ़ाने के बाद। दोनों मिल बांट के खाया करो, ऐसा नहीं करते हैं ठीक है? नहीं तू भी दिया कर उसको, खाने समय तो आ जाता है एकदम बस। तो आखिरकार प्रियांशु को अब मिल चुका है, चल थोड़ा मैं दे दूंगा, आजा खा खू के अब गंदा हो रहा है। तो अभी मैं भी लेके देखता हूँ इनका टेस्ट कैसा बना रखा है निक्की ने, खुशबू तो बढ़िया आ रही है, देखता हूँ मैं भी। बढ़िया हो रहा है, वैसे भी मुझे भूख लगी है। तो अभी पिताजी भी आ चुके हैं, भात लाए भात, सुबह तो नहा रहे थे तुम, कितने बार नहाओगे, सुबह भी तो नहा रहे थे तो इतना परेशान हो रहे हैं, लेकिन जाना जरूर है पिताजी को, मानते हैं नहीं, उम्र हो चुकी है, बुढ़ापा है, ऊपर से इतनी गर्मी है, लेकिन जाते जरूर है। क्या कह रहा है? शाम को कपड़े लेने मिलेंगे तो गाइस हम आपको शाम को मिलते हैं। हाँ क्यों नहीं। और प्रियांशु यहाँ खाने लग गया अब भात, कैसा हो रहा है? बढ़िया हो रही झोली पक्का? तो अभी खाना वाना बन चुका है और भूख भी लग चुकी है, तो अब हम खाते हैं खाना और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए। बाय बाय। वे लग चुकी है मेरी थाली और साथ में आ चुका है सलाद, प्रियांशु तो यहाँ पहले से खा ही रहा है और ये आ चुका पानी का गिलास, ये तो जरूरी है आजकल।